नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज ऑफ अर्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी काम को करना हो तो उसी को फोकस होकर पूरी तरह से मन लगाकर काम करना चाहिए, और जब आप सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे आप लग जाएंगे और पूरी अपनी निष्ठा के साथ काम करेंगे तो आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप किसी चीज़ में टाइम देते हैं और उसी चीज़ को करते हैं तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। दोस्तों, मैं आपके लिए आज जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, ये दरअसल न्यूज आपकी भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपने भारतीय रेलवे में एक चीज़ सुनी होगी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दरअसल ये क्या है, इससे देश का क्या भला होना है, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या अभी नुकसान हो रहा है, किस पोजीशन में भारत खड़ा हुआ है रेलवे नेटवर्क में, ये भी बताऊँगा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं पूरी न्यूज को है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि भारत का जो रेल नेटवर्क है, ये दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अगर पहले नंबर की बात करें तो इसमें अमेरिका का नाम आता है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे रसिया, और चौथे पर हम हैं। अगर पाँचवें नंबर की बात करें तो कैनेडा है। तो दोस्तों, ये तो हुआ रेल नेटवर्क की बात, लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अभी होता क्या है दोस्तों, जो अभी हम अपनी किसी चीज़ की माल की ढुलाई करते हैं और जो पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करते हैं, ये भारतीय रेल करती है। इसमें एक चैलेंज आता है दोस्तों, ये जो चैलेंज आता है कि अभी दोनों ही चीज़ें, यानी कि मालगाड़ी और जो पैसेंजर गाड़ी है, ये एक ही पटरी पर चल रही होती है। इससे नुकसान होता है भारतीय रेलवे का और कहीं ना कहीं पैसेंजरों का भी नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि जब एक ही ट्रेन पटरी पर दोनों गाड़ियां चलेंगी तो दोनों गाड़ियां स्लो चलेंगी, यानी कि माल अगर हमें जल्दी पहुंचाना है तो वो जल्दी नहीं पहुंच पाएगा और पैसेंजर भी नहीं जल्दी अपने टाइम पर पहुंच पाएंगे। तो जब माल देर में पहुंचेगा तो बनी बात है कि उसके लिए फिर रेलवे को कस्टमर्स कम मिलेंगे, यानी कि जिसको रेलवे से माल अपना एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है, जब उसका माल लेट पहुंचेगा तो वो उससे भेजना पसंद नहीं करेंगे, वो दूसरे तरीके से माल को भिजवाएंगे, जैसे ट्रक के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू, लेकिन वो रेलवे से कम प्रेफर करेंगे। अब आपको बता दें कि जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त सबसे ज़्यादा माल की ढुलाई रेलवे से ही होती थी और चल रही थी, लेकिन इसी तरह की प्रॉब्लम जब आने लगी, समय से पहुँचता नहीं था, कॉस्टली नहीं होता है ये, सस्ता होता है रेलवे से माल भेजना, लेकिन जब समय से चीज़ नहीं पहुंचती तो वो ज़्यादा नुकसान दे हो जाती है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे इस वक्त जो फ्रेट में जो शेयरिंग करती है, यानी कि समझ लीजिए कि अगर 100 चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होना है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, तो 100 में से 28%, यानी कि 28 भाड़े भारतीय रेल को मिलते हैं और बाकी 72 भाड़े, यानी कि 72 भाड़े दूसरी चीज़ों को मिलते हैं, यानी कि ट्रक हो गया या सिप हो गया या कोई दूसरे तरीके से वो हम एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है भारतीय रेलवे का। तो भारतीय रेलवे ये चाहता है तो किसी तरीके से उसकी फ्रेट जो है ये बढ़ जाए, लोडिंग बढ़ जाए। तो उसके लिए उसने एक अपना लक्ष्य रखा है कि 2051 तक ये जो 28% अभी शेयरिंग है, इसको वो 44% की अपनी शेयरिंग करना चाहता है। इसके लिए भारतीय रेलवे ने कुछ काम करे, जैसे कि सबसे पहले उसने एक काम किया, उसने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया। जिसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, आप समझा देता हूँ क्या है। जैसा कि नाम बता रहा है कि डेडिकेटेड, अब डेडिकेटेड का मतलब किसी चीज़ के लिए सिर्फ एक स्पेशल पटरी डाल देना। अगर कोई हमें रेलवे को, सपोज़ रेल मालगाड़ी को निकालना है तो मालगाड़ी के लिए ही अलग वो पटरी डाल देगी, उसमें पैसेंजर गाड़ी नहीं जाएगी, वो डेडिकेटेड है सिर्फ फ्रेट के लिए। तो ऐसा ही भारतीय रेलवे ने दो फ्रेट कॉरिडोर बनाए, सबसे पहले ईस्टर्न और वेस्टर्न, दो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर वो है जो लुधियाना से स्टार्ट होता है और पश्चिम बंगाल को जाकर जोड़ता है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो करीब 1856 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और दोस्तों, एक बात और बड़ी खुशी की है कि इसमें 90% काम इसका कंप्लीट भी हो गया है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है,
जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी पश्चिम बंगाल के साइड का काम बचा हुआ है, इधर पंजाब के साइड से तो काम कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही एक वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो मुंबई को जाके जोड़ता है। अब ये उत्तर प्रदेश का दादरी है, वहाँ से स्टार्ट होता है और मुंबई को जाकर जोड़ता है, और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इस पर काम कंप्लीट हो चुका है, और इसके जो लंबाई है वो 1504 किलोमीटर की है। दोस्तों ये जब दो चीज़ें हमारी स्टार्ट हुई, अब यहाँ से हमने जब अपना माल को भेजना स्टार्ट करा तो देखा ये गया कि माल जल्दी पहुँचने लगा, और कहीं ना कहीं सस्ता था तो लोगों ने अपना इंटरेस्ट भी दिखाया, और इस पर काफ़ी मतलब पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है अभी। तो भारत सरकार ने सोचा कि जैसे ये दो फ्रेट कॉरिडोर हैं, ऐसे ही क्यों ना और फ्रेट कॉरिडोर बढ़ाया जाए, जिससे कि जो सिंगल पटरी पे लोड है वो कम हो जाए। तो इसके लिए तीन फ्रेट कॉरिडोर के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दी है, और वो तीन फ्रेट कॉरिडोर और बनाना चाहता है, जिसकी टोटल लंबाई होगी 4300 किलोमीटर। और अगर इसकी लागत की बात करें तो करीब 2,00,000 करोड़ रुपए की इसकी लागत आने वाली है। अगर और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होगा और विजयवाड़ा को एक जोड़ेगा, दूसरा मध्य प्रदेश से इटारसी एक जगह है वहाँ से ये स्टार्ट होगा और वो विजयवाड़ा को ही जोड़ेगा, तीसरा पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होगा और वो मुंबई को जोड़ेगा। ये तीन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने हैं, और इसकी लंबाई 4300 किलोमीटर और लागत 2,00,000 करोड़ की होगी। अब दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे पहला फ़ायदा ये होगा कि जब पटरियां दोनों की अलग अलग होंगी तो एक्सीडेंट कम होंगे, सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा, मालगाड़ी भी अपने टाइम से पहुंचेगी, जल्दी पहुंचेगी, और पैसेंजर गाड़ी भी स्पीड में पहुंचेगी, जल्दी पहुंचेगी। ये हो गया दूसरा फायदा, टाइम की सेविंग होगी। तीसरी चीज, कॉस्ट कम आएगी। अभी क्या है कि जब धीरे धीरे चलती है तो फ्यूल ज़्यादा लगता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, वो चीज़ें कम होंगी जब डेडिकेटेड होगी तो कॉस्ट भी कम आएगी। चौथा फायदा, जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि वो बनाने के लिए लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग उससे काम करेंगे, ये फ़ायदा होना ही होना है। साथ ही साथ जिस जगह पर ये बनाई जाएगी, पटरियाँ डाली जाएंगी, वो जगह भी तो लोगों की है, वो जगह लोगों की जब ली जाएगी तो कहीं ना कहीं रियल इस्टेट सेक्टर भी बूम करेगा, वहाँ भी फ़ायदा आएगा। ये इसके फ़ायदे हैं। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, ये कहीं ना कहीं ग्रोथ इंजन है, हमारी देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। आपको बता देंगे जैसे कि इंडिया की लॉजिस्टिक पॉलिसी आई थी, ये 2022 में आई थी, इसमें देखा ये गया था कि जो इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो करीब 15% लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है। यानी कि अगर कोई सामान आपको भेजना है तो उसकी मान लीजिए कि अगर 100 रुपये कीमत है तो 15 रुपये सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट है, मतलब भाड़े का ही, आप ये अंदाज़ा लगा लिए कितना ज़्यादा है। और वहीं अगर बात इसकी करें कि विश्व में इसकी क्या कॉस्ट आती है लॉजिस्टिक की, तो विश्व में करीब 8% की कॉस्ट है, और जिसमें भी जर्मनी सबसे अच्छा है, उसकी 6% की इसकी लागत आती है लॉजिस्टिक कॉस्ट, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। और अगर रैंक की बात करें तो अभी हम लॉजिस्टिक कॉस्ट में बहुत पीछे हैं, सबसे अच्छी रैंक जर्मनी की है। इवन यूएसए की भी अगर बात करें तो वो टॉप 10 में तो नहीं आता, हाँ 14 रैंक उसकी ज़रूर है, ये अलग ही रैंकिंग अभी पुरानी हो गई है। तो दोस्तों लॉजिस्टिक कॉस्ट जहाँ 8% की होनी चाहिए, 7% 8% की, वहाँ पर हम 15% की कॉस्ट देते हैं। इवन कुछ जगह तो ऐसी हैं जैसे बिहार की तरफ, वो अगर उधर देखें तो लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% के आसपास है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, तो इससे तो हमें छुटकारा मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों अभी हमारा जो लक्ष्य है कि 2030 तक अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को 8% पर ले आएँ, जो एक रिमार्केबल अचीवमेंट होगी भारत के लिए, उससे कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट सस्ता होगा, लोगों को सस्ती चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि लॉजिस्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। लोगों ये समझ लीजिए कि महंगाई इसी पे डिपेंड करती है काफ़ी हद तक, क्योंकि अगर फ्रेट महंगा हो जाएगा तो प्रोडक्ट सारे महंगे हो जाएंगे। अगर महंगाई को कम करना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी आपकी कम होनी चाहिए, तभी आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आएगी तो आपकी महंगाई भी कम होगी, प्रोडक्ट सस्ता होगा।
तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका हम लोगों को वेलकम करना चाहिए, गवर्नमेंट जो चीज़ ला रही है ये। दोस्तों इस पे अब अपडेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि इससे अपडेटेड न्यूज़ आती रहेगी और ये बहुत ही लोगों से जुड़ी हुई चीज़ है, इसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। दोस्तों अब कुछ अपडेट चीज़ होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।